मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास LKG की हिंदी की स्टडी शुरू करेंगे। अभी आपके पास जो भी है, पेंसिल, कलर, जो भी है, आप उसको उससे आप लोग इसको लिख सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में बच्चों को पेंसिल पकड़ना ही आया होगा और थोड़ा बहुत लिखना आया होगा, तो सबसे पहले हम लोग डॉट बनाते हैं इस तरह से। डॉट बनाते हैं, और हाथ पकड़ के हम लोग बच्चों को लिखना सिखाते हैं। इस तरह से हमने डॉट बना लिया और डॉट बना के हमने छोटा आ लिखा। तो ब्लैक बोर्ड, ऐसे तो स्कूल में हम लोग ब्लैक बोर्ड में पहले पिक्चर बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, उच्चारण कराएंगे, जो कि अभी मैं वीडियो में भी पढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी भी इसको। छोटा से अनार होता है, इस तरह से मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको लिखना सिखा रही हूँ। इस तरह से हमने छोटा का बिंदु बना के हमने लिख दिया। देखिए, छोटा लिखा है मैंने, बिंदु बनाया है। अब इसमें बच्चों को हम पेंसिल या कलर, स्केच कलर कुछ भी देकर बच्चों का हाथ पकड़ के इस तरह से लिखना सिखाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि नर्सरी में बच्चों को ज़्यादातर पेंसिल पकड़ना आ जाता है, लिखना थोड़ा बहुत आ ही जाता है, तो LKG में आके उनको इतना तो आ जाता है कि वो छोटा बड़ा लिख लेते हैं। और जिनको नहीं आता है उनको हम लोग इस तरह से डॉट बना के हम लोग लिखने का अभ्यास कराते हैं। देखिए इस तरह से मैंने छोटा लिख दिया डॉट बना के, और इस तरह से हम लोग पेंसिल पकड़ते हैं, बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग छोटा उनको लिखना सिखाते हैं। आप लोग भी घर में कोई भी पुरानी रफ कॉपी हो जिसमें पेपर खाली बचे हों, या कॉपी जो आपने इस्तेमाल कर ली है वो बचा हो, उसके पेपर हो, उसमें इस तरह से डॉट डॉट बना के बच्चों को दे दीजिए इस तरह से, ताकि बच्चे इसका अभ्यास करें। ये छोटा, इस तरह से छोटा मैंने बना दिया। बच्चों को कहिए कि बेटा इसको लिखो, या हाथ पकड़ के आप लिखाइए। सभी बच्चों को पता है कि छोटा से अनार होता है, तो हम जब पढ़ाएंगे तो हम पिक्चर बनाते हैं या टीचिंग एड लेकर उसको उससे पढ़ाते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर हम पिक्चर बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, उससे हम पहले बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं उस मेथड से भी आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ उस तरह से कि हमने पहले बच्चों को इस तरह से सिखाया, ब्लैक बोर्ड पर हमने पिक्चर बनाया इस तरह से। इस तरह से मैंने पिक्चर बनाया बच्चों को, और हम लोग बच्चों से पूछते, बच्चों ये बताओ ये क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे बता देते हैं, और जो नहीं बताते हैं तो हम लोग किताब को दिखा के बच्चों को बताते हैं। तो ये इस तरह से हम आ से छोटा से, ये हम लोग बताते हैं, छोटा से अनार क्या होता है बेटा, छोटा से अनार। तो बच्चे हमारे साथ इसको दोहराते हैं, छोटा से अनार। हम इसका उच्चारण कम से कम 5 से 6 बार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि छोटा से अनार, छोटा से अनार, इस तरह से। छोटा से अनार, जब बच्चे इसको पहचानने लगते हैं और बोलना सीख जाते हैं, तो फिर हम इसको इस तरह से डॉट डॉट बना के इसको लिखना सिखाते हैं। पहले आप पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बना के उनको उच्चारण करना सिखाएंगे, छोटा छोटा से अनार, छोटा
छोटा से अनार, फिर हम इसको इस तरह जैसे मैंने आपको बताया डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग ब्लैक बोर्ड में भी डॉट डॉट बनाते हैं। फिर बच्चों की बुक्स जो रहती है या कॉपियाँ रहती हैं, अगर बुक्स में डॉट डॉट बना रहता है तो हम लोग बुक्स में लिखवाते हैं, और एक होमवर्क कॉपी भी रहती है जिसमें हम लोग डॉट डॉट बना के बच्चों को देते हैं, जिसको बच्चे घर पे जाके करते हैं इस तरह से छोटा से अनार। तो बच्चे आराम से इसको कलरफुल कलर या पेंसिल से आराम से इसको करते हैं इस तरह से छोटा से अनार, इस तरह से छोटा से अनार हैं, इस तरह से हम लोग छोटा से अनार। फिर हम लोग जब ये पढ़ा लेते हैं, इसको पिक्चर समझा देते हैं, लिखना थोड़ा सा अभ्यास करवा देते हैं, तो हम लोग बच्चों को एक कलर देते हैं, उसी से संबंधित हम लोग कोई कलर दे देते हैं। जैसा अभी मैंने अनार बच्चों को चित्र बनाया और उससे अक्षर बताया कि छोटा से अनार होता है, फिर बच्चों को लिखना सिखाया, और हम लोग फिर कोई कलर इस तरह से चित्र दे देते हैं डॉट डॉट बना के, इस तरह से। और फिर इसमें भी बच्चों को हम बोलते हैं, क्योंकि हमने डॉट से अक्षर बनाना भी सिखाया तो हम चित्र भी डॉट डॉट देते हैं, ताकि बच्चे डॉट में ही चित्र बनाना भी सीखे इस तरह से। डॉट डॉट है इसको, बच्चे इसको बड़े आराम से बहुत अच्छे से बच्चे करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, एकदम उनका मन लगा रहता है, और कुछ चेंज भी हो जाता है कि अब भी उन्होंने लिखना सीखा, उच्चारण करना सीखा, अब वो ड्राइंग करना सीख रहे हैं। तो उसको बच्चों को हम लोग पहले कहते हैं डॉट डॉट बनाइए, फिर जब डॉट डॉट बना के या बिंदु से बिंदु मिला के आपका चित्र कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आप कलर भरिए। तो बच्चों को हम लोग बताते हैं कि किस रंग का अनार किस रंग का होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को पता चलता है, पता रहता है कि अनार लाल कलर का रहता है, तो वो कलर करते हैं। तो ये हमारा LKG का स्वर का पहला वर्ण है जो हमने पढ़ा है, आ छोटा। कल हम दूसरा वर्ण पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, और पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों को सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा छोटा आ का अभ्यास ज़रूर कराइए। इस तरह से देखिए मैंने वर्कशीट बनाई है, ये इस तरह से आपके पास प्लेन पेपर हो या कोई भी कॉपी हो, इस तरह से डॉट डॉट बना दीजिए छोटा फिर बड़ा, इस तरह से मैंने बनाया है, आप छोटा बड़ा इस तरह से डॉट डॉट बना के और बच्चों को बोलिए कि इस पे ऐसे पेंसिल चलाएं, तो बच्चे पढ़ाएंगे, और उसी से संबंधित कोई ड्राइंग दे दीजिए ताकि बच्चे उसको कलर भी करें। तो इस तरह से मैंने उसको बना के रखा था, आप भी इसका अभ्यास ज़रूर करवाइएगा ताकि बच्चे कुछ इन दिनों में थोड़ा बहुत उनको स्वर और व्यंजन का पहचान हो सके। इसी के साथ हम आज की स्टडी ख़त्म करते हैं। स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।